भारत देश की खेतीबाड़ी खोज का इतिहास एक सदी तो थोड़ा जिहा वध है। पंजाब अंदर 1906 ईस्वी विच लायलपुर, जिसका नाम हुण फैसलाबाद पाकिस्तान विच बन गया है, विखे पहला खेतीबाड़ी कॉलेज ते खोज संस्थान स्थापित होया। इसकी एक शाखा गुरदासपुर विखे 1910 विच स्थापित की गई। वंड की मार इस विद्यक अदारे नूं भी झलनी पई। आजादी मगरों लायलपुर वाला खेतीबाड़ी कॉलेज दो हिस्सों विच वंडिया गया। अद्धा हिस्सा पाकिस्तान विच रह गया ते अद्धा पहला खालसा कॉलेज अमृतसर विच ते फिर 1949 विच मालवा खालसा हाई स्कूल सिविल लाइन्स लुधियाना दी इमारत विच ते पक्के तौर ते वर्तमान स्थान ते साल 1957 विच स्थापित होया। आजाद भारत दे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू दे सुपने अंदर एक गल पक्की तरह शामिल सी कि देश नू अनाज पक्खों स्वय निर्भर बनाउणा है। उन्हां दे इस सुपने दी पूर्ति विच पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना ने महत्वपूर्ण हिस्सा पाया। इस दी स्थापना 17 अक्टूबर 1962 विच हुई। यूनिवर्सिटी का रस्मी उद्घाटन भी भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू होरा ने ही 8 जुलाई 1963 नूं कीता। वंड वेले पंजाब का ज्यादा उपजाऊ ते खेती पक्षों विकसित खेतर पछमी पंजाब विच ही रह गया। देश नूं भुखमरी विचों कढ़न लई इस यूनिवर्सिटी के साइंसदाना ने कमान संभाली। किसान की अणथक मेहनत सदका यह मुल्क जो दूजे मुल्कां तों अनाज आयात करदा सी अनाज भेजण लगा। पंडित नेहरू प्रताप सिंह कैरों दे सुपनियां नूं साकार करन विच महान विज्ञानी डॉक्टर बोरलाग दे मुहैया करवाईयां किस्मां ने अहम योगदान पाया। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी 1962 च बनी सी। उदों अपने देश की अन्न की जो व्यवस्था सी कोई इन्नी अच्छी नहीं सीगी। इत्थों तक सी कि प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस टाइम तो अपील की सी कि रेस्टोरां एक दिन हफ्ते विच एक दिन एक शाम जिहड़े वो बंद रखे जाण। सो साडी यूनिवर्सिटी ने खोजां जो कीतियां और नाल दूसरे जो इंस्टीट्यूट सी एग्रीकल्चर ते जो कामकार कर रहे सी उहदा सदका जिहदे असीं सब तों अगे रहे उस टाइम दे कामकार दे विच। देश जिहड़ा ना कि निर्भर होया अनाज दे विच सगों पंजाब जिहड़ा सी ओह देश दा अन्न दा भंडार बन गया। भारत विच खेतीबाड़ी खोज लई सिरकट यूनिवर्सिटियां विचों सिखरला नाम पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना दा लिया जांदा है, क्योंकि इसने खेतीबाड़ी खोज सिक्ख्या ते पसार दे खेतर विच सिखरां छुईयां ने। यूनिवर्सिटी बनाउण दा मनोरथ भी यही सी कि खेतीबाड़ी नूं दरपेश चुनौतियां दा हल करन लई खोज कीती जावे। इस संस्था ने जिथे देश नूं अनाज पक्खों आत्म निर्भर बनाया उथे नाल ही पंजाब राज दा भी काया कल्प कीता। पंजाब नूं देश दा अनाज भंडारी बनाउण विच इस संस्था ने सब तों वड्डा योगदान पाया। इतिहास नूं पढ़िए ते पता लगदा है कि जनवरी 2012 तक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना ने 700 तो वध वख-वख फसलां फलां फुलां ते सब्जियां दीआं किस्मां विकसित कीतियां। इस जगह ते मैं अज तो 6-7 साल पहला तकरीबन खेती शुरू की सी। शुरुआत दे विच कणक झोने तो शुरुआत की, पर एक दो साल ये खेती करन नाल ये महसूस होया कि तकरीबन इन्ने पढ़ लिख के ये रवायती खेती दे विच पैण नालों को नवे तरीके नाल काम किया जाए। तो उहदे विच साडे रिश्तेदार ते अपने खेती करदे हैगे अमरजीत सिंह नवें शहर बुरज तो, जिन्हां तो सीध लैंदे आ, ते बाकी बागवानी विभाग हुशियारपुर तो, इन्हां दोनां दे सहयोग दे नाल सब्जियां दी खेती शुरू की। शुरुआत दे विच तकरीबन इहदे विच जिहड़ी लो टनल दी खेती सीगी उह नवीं नवीं शुरू होई सी, जिहदे विच इह लग्गिया कि नवें तरीके नाल खेती करन लई इक वधिया ढंग आ। इहनूं शुरुआत दे विच असीं जिहड़ियां सब्जियां फरवरी मार्च दे विच नहीं आ सकदियां उहनां नूं ऑफ सीजनल दे तौर ते लिया सकदे आ। इहनां किस्मां दी सर्वोत्तमता दा प्रमाण इह वी है
कि इन्हां विचों 115 किस्मां नूं कौमी पद्धर ते रिलीज़ होण दा माण मिलिया। इन्हां विचों कई हाइब्रिड किस्मां नूं पहल पलेठियां होण दा भी माण मिलिया। वनस्वनियां बीमारियां ते कीड़े मकौड़ियां दा मुकाबला करन दे नाल नाल मयारी अनाज वाली कणक खोज प्रोग्राम दा प्रमुख निशाना हुंदा है। पंजाब खेतीबाड़ी नूं शिखरां तक पहुँचाउण लई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना यानी कि PAU दा एक बहुत ही सफल योगदान रहा है। पंजाब दे विच हरा इनकलाब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दे साइंसदाना दी मेहनत सदका ही आया सी अते इस इनकलाब नूं होर अगे वधाउण लई खेती तो इलावा खेती सहायक धंदियां विच वी विकास लियाउण लई खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना यानी कि PAU दे जिहड़े साइंसदान ने जिहड़े माहर ने उन्होंने बड़ा ही शलाघायोग काम किया है। यूनिवर्सिटी वालों हुण तीक पंजाब विच बीजण लई कणक दियां 54 किस्मां दा विकास किया गया है जिन्हां विचों 32 किस्मां नूं कौमी पद्धर ते रिलीज़ होण दा माण मिलिया है। कणक ते झोने विच रिकॉर्ड तोड़ उपज दा वाधा जिथे खेती तो आमदन वधाउण विच सहाई होया है उथे पंजाब दे खेती अर्थचारे की समुचे देश विच भी शान वधी है। कणक की उत्पादकता 1960-1961 1.2 टन प्रति हैक्टेयर सी जो कि साल 2010-11 विच वध के 4.7 टन प्रति हैक्टेयर हो गई है। इवें ही झोने की यह दर 1960-61 विच 1.1 टन प्रति हैक्टेयर सी जो कि इस वेले 4 टन प्रति हैक्टेयर हो चुकी है। पंजाब की खेती घनता 1960-61 के 126% तो बढ़ के हुण 190% हो चुकी है। PBW 343 नूं रिलीज़ करन तो बाद कणक दे झाड़ विच चोखा वाधा होया है ते एक वेले तां इस किस्म अधीन पंजाब राज दा 90% रकबा बीजिया गया। उत्तरी पछमी मैदानी खेतर विच भी इस अधीन रकबा 70% हो गया। इस किस्म नूं बीज के किसान भरावां नूं 26,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ होया। मैं काफ़ी देशों दे विच घूमया वा काम भी किया वा जो किसानां दा ते पंजाब खेती यूनिवर्सिटी का कुछ मेल मिलाप है। मैं इस तरह का मेल मिलाप कित होर नहीं वेख्या। और जो असी नवी बी देने या कई तकनीक देने वो फार्मर बहुत जल्दी अपनाउंदे पर कई तकनीक जिस तरह पानी की संभाल या जमीन की संभाल उस पासे किसान भरा उन्नी तवज्जो नहीं देंदे क्योंकि उन्हां नाल झाड़ नहीं वधदा। जिहड़े झाड़ वधाउण वाली तकनीक आ भावें वह नवा बी आ भावें वह नवी कोई वीडीसाइड आ कोई पेस्टिसाइड आ कोई दवाई आ वह बहुत छेती अपनाउंदे। मेरी अपील किसान भरावां नूं यह है कि जिन्ना झाड़ वधाउण वाली तकनीक महत्ता रखते हैं उदों ज़्यादा महत्ता जिहड़े कुदरती सोमे नूं बचाउण वाले तकनीक आ वह रखते हैं क्योंकि जे असी कुदरती सोमे नहीं बचावांगे तो साडियां आउण वालियां पुश्तां की करन। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वल्लों मधुमक्खी पालन विच 1967 के दौरान कीती पहल सदका इस वेले देश दे कुल शहद उत्पादन विचों 37% शहद पंजाब विच पैदा हुंदा है ते इस विचों 90% विदेशी मंडियां विच विकदा है। 14,000 टन शहद पैदा करन दे नाल नाल मधुमक्खियां साडियां फसलां ते फलां दी उपज वधाउण विच सहाई हुंदियां ने। देश विच पैदा हुंदियां खुंबां विचों 50% भाव 50,000 टन खुंबा सिर्फ पंजाब पैदा करता है। मशीनीकरण की सहायता कारण पंजाब विच इस वेले 97% रकबा सेंजू है। हैपी सीडर मशीन के विकास नाल कणक की काश्त विच आउण वाला खर्चा भी 20% घटिया है। पंजाब खेतीबाड़ी मशीनरी नूं विकसित करन ते व्यापारिक तौर ते हरमन प्यारा बनाउण विच
देश का मोटी सूबा है। इसे करके पंजाब नू खेती मशीनरी बनाउन दा केंद्र किया जाता है। लंबे समय तो खेती धंधे दे नाल जुड़िया होया और मैं जे ये कह लवां कि मैं अपनी खेती ही पहला यूनिवर्सिटी दे नाल जुड़ के ही शुरू की, इहदे विच कोई अतकथनी नहीं होवेगी। काफ़ी लंबे समय तो मैं बीएजू किसान क्लब की कार्यकारिणी का मैंबर भी चले आ रहा, तो लोगों नू जां व्यक्तियों नू किसानां नू वधिया से देण दा साडा अहीं हर टाइम तत्पर रहिंदे आ, तां कि जो वह इत्थों सीख के उही टैक्नोलॉजी अपने खेतों में जाके अपलाई करन, जो कि एक किसान किसानी भाईचारे लिए बहुत वधिया साबित होवेगी। दुनिया के मोढ़ी साइंसदान डॉक्टर बुश के नाँ ते पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वालों स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, ता जो फसलों बारे खोज नू बायोटेक्नोलॉजी विधि नाल खुलारा दिता जा सके। कई होर प्रयोगशालावां जिमें प्लांट टिश्यू कल्चर लैबोरेटरीज, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन लैबोरेटरीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरीज, मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक लैबोरेटरीज, जीनोमिक्स लैबोरेटरीज विच नवे यंत्र लिया के इन्हों का पद्धर उच्चा चुकया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ते नैनो साइंस लैबोरेटरी की स्थापना वास्ते ICAR तो विशेष ग्रांट हासिल की गई है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना विच स्थापित कीती ए उच्च मयारी लैबोरेटरी उत्तरी भारत विच पहली लैबोरेटरी है। विद्या दे विच जो थ्रस्ट है जां जिहड़ा मुख मुद्दा अजकल है वह यह है कि विद्यार्थियों नू किस तरह असी ये तक सिक्ख्या देईए तां कि वह को अपना कारोबार शुरू कर सकन जां इंडस्ट्री में जाके एडजस्ट हो जाण। असी अपना जो कोर्सेज है उन्होंने लगातार रिवाइज करते रहते हाँ, तो हुण भी असी कोर्स के एक खास प्रोग्राम बनाया है जिन्हों कहिंदे है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। यह प्रोग्राम है जिहड़ा कि विद्या के अखीरले साल के असी विद्यार्थियों नू तकनीकी जानकारी देंदे हन, जो विद्यार्थियों सिक्ख्या हुंदा है उन्हों वह अपलाई करते हैं ते ता वह अपने रिजल्ट तैयार करते हैं। यूनिवर्सिटी वालों कीटनाशक जहरां दे अनाज विच पए रहण दा विश्लेषण करन लई पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस लैबोरेटरी स्थापित की गई है। इस विच भी अति सूखम यंत्र लाए गए ने तां जो कीटनाशक जहरां दे असर बारे सही विश्लेषण किया जा सके। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी विच बीज किन्नू दे रोग मुक्त बूटे ते नर्सरी तैयार करन संबंधी प्रोग्राम बहुत मजबूत है। यूनिवर्सिटी वालों लगभग 57,500 क्विंटल बीज वक वक फसलां दा तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी दा खेतीबाड़ी मौसम अनुमान केंद्र भी पंजाब खेतर नू आउण वाले मौसम बारे जानकारी देण विच विशेष मुहारत रखता है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अपने मयारी सिक्ख्या कारण विदेशां विच भी जानी पछाणी संस्था है। इसे करके नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मिसर, इथोपिया, अफगानिस्तान ते लाइबेरिया आदि मुल्कां दे विद्यार्थी इत्थे सिक्ख्या ग्रहण करन आउंदे ने। First condition really in this university, more facilities is there from BU. International hostel, we have more facilities also we have in this in our hostel. Coming to my department, modern lab is there, more nice teacher available in our department. Then all facilities is available in this university. ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾਂ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। इस वक्त भी साढ़े कोई 12 देशों तो स्टूडेंट्स हैं जिन्हां विच 34 स्टूडेंट सिक्ख्या ले रहे हैं जिन्हां विच ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज तो हैं। यूनिवर्सिटी
82 ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 43 ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 27 ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। 800 ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ 2800 ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਪਸਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 6-7 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸੋਖੜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਹ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ 2 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7 ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਚੇਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉਦਮੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICR ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਇਨਾਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮਤਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ PAU ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ PAU ਦੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। 50 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੇ।